एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी शेफ तरुणा बिरला। आज हम बना रहे हैं क्रीम चीज। क्रीम चीज एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कहीं पर अवेलेबल नहीं होता है, होता भी है तो थोड़ा बजट से हमारे ऊपर होता है। तो आज आपको मैं बहुत अमेजिंग, बहुत सुपर टेस्टी क्रीम चीज की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जिसे आप चीज केक या फिर कोई भी डेजर्ट में आप यूज कर सकते हो, केवल एवे भी खा सकते हो। इतनी टेस्टी और सुपर यमी होती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्रीम चीज, वो भी दो तरीके से। लेट्स गो। सबसे पहले हाफ लीटर जितना मिल्क लेंगे। जो मिल्क है आपका वो फुल फैट होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। इसको गर्म करेंगे अच्छे से। एक बॉईल हमें लेना है, बीच बीच में इसे दो तीन बार चला लें आप, क्योंकि फुल फैट मिल्क है तो चिपके ना हमारा वो। जैसे इस तरह से इसका बॉईल आ जाए तुरंत ही गैस ऑफ कर देंगे आप। अब एक बोल में हम डालेंगे 1 टेबल जितना विनेगर, और उसी में हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि इसको थोड़ा डाइल्यूट कर लें हम। अब हम जो हमारा दूध उबल चुका है उसमें हम डालेंगे, लेकिन सारा नहीं डालेंगे, जब तक ये फट जाए उतना ही हम डालेंगे। स्टर कर लेंगे थोड़ा सा। थोड़ा थोड़ा कर्डल होने लगा है, आप देख सकते हैं, लेकिन जब तक एक ग्रीन पानी अलग ना हो जाए तब तक हमें इसको डालना है। ये ध्यान रखना है, ये प्रोसेस गैस बंद करके ही आपको करना है। आप देखेंगे तो बिल्कुल से ये अलग हो गया है, और जो हमारा ग्रीन पानी है वो बिल्कुल अलग हो गया, एकदम सेपरेट हो गया। तो जैसे इस तरह से हो जाए, अब जो बचा हुआ विनेगर है हमारा उसे छोड़ दें, बहुत थोड़ा बचा है तो उसे नहीं डालें आप। अब जो है हम इसको एक मसलिन क्लॉथ पे जो है इसको स्ट्रेन कर लेंगे, थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे इस पर। इसे स्क्वीज कर लेंगे, बहुत देर तक हमें स्ट्रेन नहीं करना है, जब थोड़ा सा हमें इसको जो है स्ट्रेन करना है। इस तरह से दबा लें आप, थोड़ा ठंडा होने के बाद भी कर सकते हैं आप इसको। बिल्कुल इस तरह का सॉफ्ट छेना हमें चाहिए, इससे ज्यादा आपको स्ट्रेन करने की जरूरत नहीं है या ज्यादा आपको दबाने की जरूरत नहीं है। बस ये 5 मिनट में थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अब एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे। सबसे पहले जो छेना हमने प्रिपेयर किया था ये हम इसमें डालेंगे। इसके साथ ही जो दूसरा इंग्रेडिएंट हम लेंगे वो है हमारा कर्ड। ये हंग कर्ड है, जितना छेना है उतना ही हंग कर्ड है, अप्रोक्स 1/4 कप जितना है। तो इसको थोड़ा स्ट्रेन करना है आपको, डायरेक्टली कर्ड यूज नहीं करना है। इसको अच्छे से आप स्ट्रेन करके, अच्छे से टाइट करके फिर आप लेंगे। ये भी हमारा अप्रोक्स 1/4 कप है। उसी में हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून जितना बटर। यहाँ पे मैंने सॉल्टेड बटर यूज किया है, अनसॉल्टेड भी ले सकते हो आप। इसी में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून जितना अमूल फ्रेश क्रीम, और पिंच हम इसमें डालेंगे नमक बहुत थोड़ा सा, और इसको हम ग्राइंड करेंगे जब तक कि एक स्मूथ पेस्ट ना बन जाए। आप देख सकते हो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर का हमारा क्रीम चीज तैयार हुआ है। अभी आपको थोड़ा सॉफ्ट लगेगा क्योंकि थोड़ा गर्म भी मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था, लेकिन जैसे ही आपको इसको फ्रिज करेंगे इसका जो टेक्सचर है बहुत अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल मार्केट से भी ज़्यादा बेटर आपका ये लगेगा। टेस्ट में भी बहुत अमेजिंग है। इसको आप पूरा हफ्ता जो है फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्रीम चीज की रेसिपी हम कर रहे हैं उसमें हमें लगेगा 1 कप फुल फैट मिल्क। मिल्क आपको फुल फैट ही लेना है, तभी जाकर के टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। 1 कप मिल्क के साथ हम 1 कप जितना ही डालेंगे अमूल फ्रेश क्रीम। घर की मलाई आप नहीं ले सकते हो, यहां पर फ्रेश क्रीम ही लेना पड़ेगा आपको, और इसको कंटिन्यू चलाते हुए आपको इसको एक उबाल लेना है, उतना इसको गर्म करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से बॉईल आ चुका है इसमें। तुरंत ही मैं गैस ऑफ करूंगी, और ऑफ करते से ही मैं इसमें डालूंगी हमारा विनेगर वाला पानी, यानी कि 1 टेबल स्पून जितना विनेगर लिया है और 2 टेबल स्पून जितना मैंने इसमें पानी डाला है।
पहले थोड़ा थोड़ा डालेंगे, चलाएंगे, जितना जरूरत होगी उतना ही हम डालेंगे। आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा कर्डल होने लगा है ये। गैस ऑफ करने के बाद थोड़ा टाइम लेता है ये, लेकिन हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको कि नहीं फट रहा है। चालू गैस में जब भी हम इस तरह से डालते हैं तो जो आपका पनीर बनता है, जो छेना बनता है, वो बहुत सॉफ्ट नहीं होता है, थोड़ा चुई हो जाता है। इस तरह से आपका जो छेना बनेगा वो बहुत सॉफ्ट बनेगा। इसमें मैंने सारा जो था हमारा वो डाल दिया, बस इतना सा बचा है हमारा, जो पानी था सिरके का वो सारा डल गया है। और आप देख सकते हो बहुत अच्छे से कर्डल हो चुका है। बस इसको हमें जो तुरंत ही स्ट्रेन करना है एक मसलिन क्लॉथ में। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा ठंडा पानी और इसको भी अच्छे से आप या तो स्क्वीज करके या 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट भी देंगे तो भी ये आपका हो जाएगा। इस तरह से इसको आप छोड़ दीजिए 5 मिनट के लिए और ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। छेना को मैंने ठंडा करके मिक्सर जार में ले लिया। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे नमक, बहुत पिंच, जितना ही आपने डालना है, और अप्रोक्स 1/2 टेबल स्पून जितना हम लेंगे इसमें बटर। और अब इसको ग्राइंड करेंगे। अगर आपको जरूरत लगती है कि ग्राइंड करते समय थोड़ा पानी की जरूरत है तो जो छेने का पानी हमने निकाला था वही पानी आप इसमें 1 चम्मच जितना डाल करके इसको ग्राइंड कर सकते हो। ग्राइंड होकर के रेडी, और इसका टेक्सचर आप देख सकते हो बहुत ही अमेजिंग है और खाने में बहुत ही जबरदस्त है। इसको भी आप जो है 7 दिन तक पूरा स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हो, कोई भी एयरटाइट कंटेनर में, और जो मार्केट वाला है उससे कहीं ज़्यादा आपको टेस्ट में ये बेटर लगेगा। अभी आपको थोड़ा लूज लगेगा, जैसे ही आप इसको फ्रिज करोगे ये आपका जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। हमारे दोनों क्रीम चीज़ को मैंने फ्रिज किया था 1/2 आवर के लिए। आप देख सकते हो इनका टेक्सचर कितना स्मूद और क्रीमी इनका हो गया है। ये सेकेंड वाला जो हमने अमूल क्रीम के साथ बनाया था, इसको देखकर किसको खाने का मन नहीं करेगा, इतना टेस्टी और इतना स्मूद है। इसको आराम से आप जो है किसी भी डिजर्ट के लिए आप यूज कर सकते हो, बहुत ही मज़ेदार, और 7 दिन तक इसको आप फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हो।